तो आज हमारे साथ आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पावर बीआई, और पावर बीआई में हम बात करेंगे आपके साथ कैलकुलेशंस में फंक्शंस की, और फंक्शन में बात करेंगे हम टैक्स फंक्शंस की, टैक्स कैटेगरी की फंक्शंस। हमने इससे पहले लॉजिकल कैटेगरी के फंक्शन को पढ़े थे, आज हम बात करेंगे टैक्स कैटेगरी के फंक्शंस की। अब टैक्स कैटेगरी के फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब डेटा कहीं से इम्पोर्ट करते हैं तो आप जैसे मान लिया आपने इम्पोर्ट कर लिया, उसमें आईडी और सिटी दोनों साथ मिला हुआ है, आपको सिटी वाइज रिपोर्ट बनाना है, तो आप उसमें से सिटी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं फर्स्ट नेम लास्ट में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप टैक्स के जरिए क्लीन करते हैं, तो डेटा क्लियरेंसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हम आपके साथ इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो मैंने पावर बी ओपन किया है, एक डेटा को हम यहाँ इम्पोर्ट करते हैं ताकि हम बता सके इसके एग्जाम्पल्स की होता क्या है। या ओपन, और हमने आपको लिस्ट ऑफ फंक्शन ही बताया था ना कि क्या है लिस्ट ऑफ फंक्शन। चलिए उसी फंक्शन लिस्ट को एक बार ओपन कर लेते हैं, क्योंकि तो आप लोग उसको स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, फॉलो करेंगे आप। लिंक था दैट्स फंक्शन पावर बी आई। इसमें हम बात कर रहे थे टैक्स पे। नहीं, ये गलत गलत को लिया। जी हाँ, ये है लिस्ट, इसमें हम बात करेंगे टैक्स फंक्शन। टैक्स फंक्शन से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कॉन्कॉर्डेंट, एजटैक वगैरह। तो चलिए हम शुरू से बात करते हैं। हम बात करते हैं हम अपने डेटा में, मैंने एक बार डेटा ओपन किया है। पावर ये क्लोज हो गया, चलो डेटा को सेलेक्ट किया हमने और इसको लोड कर देता चलिए। डेटा लोड हो चुका है, हम डेटा पे आते हैं, और डेटा में इतने सारे फील्ड्स आप देख रहे हैं, डेटा देख रहे हैं, चलिए इसी में हम कुछ करते हैं।
सबसे पहले अब बात करते हैं कि आपके सामने यहाँ मंथ का डेट है और डेट में आपने यहाँ पे हमने मंथ फॉर्मूले या फॉर्मेट फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे मंथ जैन फैब निकाला हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ पे जैन फैब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसमें से मंथ और ईयर दोनों सम्मिलित चाहिए। तो आप चाहो तो इस जगह सकते हो या फिर इस कॉलम को डिलीट कर सकते हो। मैंने इस कॉलम को डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे मंथ अपने हिसाब से चाहिए, क्योंकि मेरे पास मल्टी ईयर का डेटा है। तो अगर हमने जैन सेलेक्ट किया तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि जैन में 2020 और 21 दोनों का डेटा आ जाएगा। सो हमें यहाँ पे मंथ क्रिएट करना है लेकिन अपने हिसाब से। तो न्यू कॉलम पे क्लिक करते हैं और एक्सेल में आपके सामने एक टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है। जी हाँ, टेक्स्ट। टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमारे पास ये होती है कस्टम फॉर्मेटिंग के जो होते हैं, वो कस्टम फॉर्मेटिंग के जो भी पार्ट है वो हम यहाँ टेक्स्ट में डालते थे, यहाँ हम फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे मंथ डैश वाई वाई कर दिया हमने ईयर के लिए, और यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मेट का फॉर्मूला। फॉर्मेट वैल्यू है हमारा डेट। अब डेट में हम इस डेट को लेंगे क्योंकि इसके आगे एफएक्स लगा हुआ है। एफएक्स मतलब कि एक ऑलरेडी डेट फंक्शन है, तो यहां हम डेट को लेते हैं। और इसमें इसमें हम देते हैं एम एम वाई वाई एम एम वाई एम एम तीन बार एम किया ताकि वो जैन फाइव मार्च किस तरह से आ गया, और हमने वाई वाई कर दिया। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं। अब आपके सामने देखिए मंथ और ईयर इकट्ठा आ गया। तो ये फॉर्मेट फॉर्मूले की मदद से होती है, या फिर और भी इसके फॉर्मेट जाए तो न्यू कॉलम में हम आते हैं। न्यू कॉलम में हमारे पास क्वांटिटी है तो ए यहां पे, तो यहां पे हम लिख देते हैं फॉर्मेट में हम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें इसमें क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है और इसमें हमने दे दिया इन्वर्टेड कॉमा में। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, बॉक्स और फिर यहाँ पे यहां पे दो चीजें हैं कि आपने इन्वर्टेड कॉमा को दो बार क्यों लगाया। तो इसके लिए हमें एक्सेल पे आके आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सेल पे एक्सप्लेन ये होगा कि जैसे एक नई सीट लेता हूं मैं, यहां पे मान लीजिए 50 हमने लिखा, 50 या 1500 लिखा, मुझे इस पे एमआरपी 1500 का टैक्स शो करना है। तो इसके लिए हम टेक्स्ट या कस्टम में आते हैं और कस्टम में इन्वर्टेड कॉमा में एमआरपी देते हैं और फिर हैश लगाते हैं ताकि हमारा 1500 शो हो। तो प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे दिख गया, तो ये कस्टम फॉर्मूला में ऑलरेडी कस्टम फॉर्मेटिंग में ऑलरेडी इसको इन्वर्टेड कॉमा में चाहिए। तो अगर मैं इसी चीज को अपने टेक्स्ट एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूला और पावर बीआई में फॉर्मेट फॉर्मूला दोनों सेम है, टेक्स्ट में हमने इसको सेलेक्ट किया, अब इसमें भी हमें इन्वर्टेड कॉमा में एमआरपी और हैश देना है, तो रिकॉर्ड यहाँ जीरो आया। क्यों जीरो आया? क्योंकि एमआरपी जो है वो टेक्स्ट है और कस्टम फॉर्मेटिंग कहता है या फॉर्मेट कहता है कि हमें
टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा में जाए। इसलिए इस पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं ताकि इन्वर्टेड कॉमा वो आगे प्रिंट करे, रिकॉर्ड आपके सामने। तो सेम चीज हमने अपनी पावर बीआई में की है, क्लियर है? हेलो जी जी डाउट इसमें सर? नहीं ठीक है सर। तो टेक्स्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मूला का आगे भी इस्तेमाल होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास टाइम है 45 घंटे 20 मिनट। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, मिनट्स में या सेकेंड्स में। इसमें भी आपका टेक्स्ट फॉर्मूला सपोर्ट करता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में एच या एम या एस, जिसको कन्वर्ट करना है एच फॉर आवर, एम फॉर मिनट और एस फॉर सेकेंड, आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो जो चीजें हम टेक्स्ट फॉर्मूला में यहां कर रहे हैं वो सेम चीजें हम फॉर्मेट फॉर्मूला में यहां पे करेंगे, राइट सर? क्लियर है जी सर। अब यहां पे एक चीज और है कि मान लीजिए मैंने मेरे पास डेटा इसी तरह का आया है, बॉक्स 51 बॉक्स 61, मुझे इसमें से इसका नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, मैं नंबर एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो न्यू कॉलम में नंबर जो है राइट से, राइट। अब यहां पे एक तरीका है मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो है कि मैं यहां लगाऊं फॉर्मूला, मैं यहां पे क्वांटिटी क्यूआई एल के से। अब देखिए सिंपल फॉर्मूला है कि आप राइट का फॉर्मूला लगा दें, राइट में क्यू टी आई पी को मैं लेता हूं और कॉमा टू कर देता हूं, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, राइट से है इट इज कंफर्म, बट वो दो डिजिट होगा, जरूरी थोड़ी है, हो सकता है 500 बॉक्सेस हो सकते हैं 1000 बॉक्सेस हो। सो ये टू को हमें ऑटोमेट करना है। तो एक्सेल में तो हमारे पास फाइंड या सर्च का फॉर्मूला, क्या पावर बीआई में भी फाइंड और सर्च का फॉर्मूला होता है? जी हाँ, फाइंड का फॉर्मूला यहां भी होता है। और मैंने इन्वर्टेड कॉमा में दिया स्पेस और मैंने बोला किसमें, क्यू टी आई पी के अंदर, और हमें स्टार्टिंग से ढूंढना है। अब बोलेंगे सर इसमें क्या हुआ, तो ए निकला हमारा कब, इसका यहां से ढूंढ बताएगा कि स्पेस कौन से लोकेशन में है, और फिर मैं यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला लगाऊंगा लेन का। लेन क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट का साइज बताता है कि वो ऑलरेडी कितने साइज का है, इसमें से हमने माइनस कर दिया तो हमने, अरे सॉरी गलत हो गया, गलत एक छोटी सी गलती हो गई, मैं यहाँ लेन यहाँ लगाना है फाइंड से पहले, लेन लेन में हमने दे दिया क्यू टी आई पी। इस चीज को देखिए, फाइंड का फॉर्मूला क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि 73 ये जो बॉक्सेस 73 46 इसके बीच में जो स्पेस है वो स्पेस का पोजीशन क्या है, मतलब चौथा नंबर है, और लेन बताता है कि टोटल है क्या। तो टोटल जो टोटल मान लीजिए कि 7 नंबर है, उसमें से 4 नंबर को 4 जो है माइनस कर देगा, जो बचेगा वो आपका टेक्स्ट। क्लियर सर? लेकिन मुझे यहां पे क्लियर नहीं लग रहा है, इसलिए मैं एक न्यू कॉलम और ले रहा हूं। और यहां पे मैं लेन देता हूं और फॉर्मूला देता हूं लेन का, लेन और लेन में क्यू टी वाई एन आ गया। चलो ठीक है, मतलब कि मैं ये देख रहा था कि स्पेस को भी तो नहीं दे दिया है, तो मतलब स्पेस को इसने नहीं दिया है।
लेकिन फिर भी आपका ये जो है ये नंबर में नहीं है, इसमें है तो क्या करें, ऐसे नंबर में हो जाए। देखिए इसके दो तरीके हो सकते हैं, फॉर्मूला के जरिए इसको कन्वर्ट कर दे, दूसरा तरीका है कि हम इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते। तो मैं इतना स्लो चलता है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और यहां ऊपर में देखिए फॉर्मेट में टेक्स्ट है, इसको मैं नहीं कर सकता यहां से डेटा टाइप। हाँ डेटा टाइप में यहां देखिए यहां पे फोन नंबर डाल दे एंड ओके। वर्किंग है जी, नंबर में कन्वर्ट हो गया। अगर स्पेस होता तो हम क्या करते, इसमें ट्रिम का फॉर्मूला अपनाते, फिर वैल्यू का आप डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू का भी फॉर्मूला अपना सकते हैं और इसको कन्वर्ट कर सकते हो जैसे कि इसमें दिया गया है। तो इसमें एक बार देख लेते क्या क्या है। एक देखिए कॉनकेटेनेट फॉर्मूला है, मतलब कि दो फील्ड को आपस में ज्वाइन करता है जैसे एक्सेल में करता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल और पावर बीआई दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है कि हमें दो टेक्स्ट को मैच करना है लॉजिकल फॉर्मूला की मदद से। तो अगर वो केस अपर लोअर है तो उसका कोई फर्क नहीं रखता है, राइट सर। लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला चाहे एक्सेल में हो या पावर बीआई में हो, एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है दोनों को फर्क करता है। फॉल्स आया, अगर दोनों सेम केस में आएगा तो ट्रू करो। तो यहां भी आपका सेम चीज होता है पावर बीआई के अंदर भी। फाइंड मैंने बता ही दिया, फिक्स्ड नंबर को फिक्स करना होता है ताकि कोई फॉर्मेटिंग चेंज ना कर सके। फॉर्मेट मैंने बताया, लेफ्ट लेफ्ट से जैसे राइट हमने अलग किया उसे लेफ्ट से अलग होता है। लेन नंबर ऑफ बताता है कि कैरेक्टर कितना है। लोअर बताता लोअर जो है उसको केस को लोअर में कन्वर्ट करता है। मिड मिस 20 से अलग करता है जैसे आप एक्सेल यूज करते हो। रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट दो फॉर्मूले हैं जो कि भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमने यहां पे जैसे बॉक्सेस आपको दिख रहा है ना सर, इसमें स्पेस है, लेकिन मुझे क्या करना है कि इसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए, इसके अंदर डैश होना चाहिए, बस समझे। तो हमें एक ऐसा नया फील्ड क्रिएट करना है जिसमें बॉक्स डैश 51 होना चाहिए। मैं यहां पे लगाता हूं सब्स्टिट्यूट का फॉर्म, सब्स्टिट्यूट इसमें मैं क्यू टी वाई पी को लेता हूं एंड इसमें बोलता हूं कि स्पेस को रिमूव कर या रिमूव करना हो या डैश में कन्वर्ट करना हो। यहां कैसे लगता है, ये आपका हो गया कि किस फील्ड में किस टेक्स्ट को और किस टेक्स्ट से रिप्लेस करना है। प्रेस कीजिए रिजल्ट आ जाए। अब रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस भी सेम काम करता है लेकिन वो पोजीशन के हिसाब से चलता है। जैसे यहां पे हमने दे दिया ना कि भाई स्पेस को कर दो, जिस स्पेस चाहे पहले पोजीशन में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, एक बार हो, दो बार हो या 10 बार हो, सारे को रिप्लेस कर देगा। लेकिन रिप्लेस का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। इसमें हम ओल्ड टेक्स्ट देते हैं क्यू टी आई पी और हमें बताना होता है कि आपका टेक्स्ट का पोजीशन क्या है जिसको रिप्लेस करना है।
तो हमने बोला कि चौथा नंबर हमारा है, चौथे नंबर से एक नंबर को डैश में रिप्लेस कर दो। अब चौथा नंबर स्पेस हो चाहे कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपको रिप्लेस कर देगा। ओके, तो रिप्लेस फॉर्मूला समझ में आ गया सर आपको? रिप्लेस yes. आता है रैप्ड फॉर्मूला और रिपीट करता है, जैसे एक को 10 बार करना है रिपीट कर देता है, और सर्च और फाइंड फॉर्मूला दोनों एक ही होता है। फाइंड फॉर्मूले में के सेंसिटिव होता है, सर्च में के सेंसिटिव नहीं होता है। ट्रीम तो ट्रीम करता है, अप अप करता है, वैल्यू वैल्यू में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे हमारे इसके टेक्स्ट कैटेगरी के फंक्शंस थे। अब आप लोग इसको एक एक बार अप्लाई करके चेक करें, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन करें, फिर अगर कोई दिक्कत हो गई थी कल की क्लास में बात कर लेंगे। और कल जो है हम बात करेंगे डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन पे।